So we will continue today. हाँ जी बेटे सबको आवाज आ रही मेरी अच्छा जी कल हम एक क्वेश्चन पे थे यार इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ रहे थे कल हम एक सिस्टम पे थे इंटीग्रेटेड सिस्टम जनाब पहली तो बात यह है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये बताएं मुझे जरा कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती है इसमें अरे अब सब लोग रिप्लाई करेंगे हाँ जी बेटे सबको स्क्रीन नजर आ रही फाइन चलेंगे आप कहीं जी कंटिन्यू करते हैं अच्छा जी हम स्टार्ट करते हैं यहां से सबसे पहली बात हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा उसमें कुछ हमने चीजें स्टडी की हैं वो हम अप्लाई भी कर रहे थे क्वेश्चंस को भी अप्लाई कर रहे थे उस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्योंकि मसला है तो बेटा बताएं जरा फिर मैं फिर आगे चलूंगा उसी जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी उसी को देख के आगे फर्दर हमने जनरल लेजर्स वगैरह बनाने कुछ लेजर्स हमने बनाए थे उसको देखेंगे फिर हम इंटरलॉकिंग सिस्टम पे आएंगे कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है तो सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन में वापिस आ रहा हूं बेटा जल्दी से हम उसको कंटिन्यू करते हुए ये एग्जाम्पल है हमारे पास ये एक एग्जाम्पल थी इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के लिए हमने स्टडी करी थी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम चल रहे थे अच्छा कोई इसमें कुछ मसला किसी चीज में किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हमने कुछ एंट्रीज पास कर ली थी लाइक हमने कहा था जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होंगे अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूं यहाँ पे चले एक क्विक सर्वे कर लेते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट किया हमने पेबल्स को क्रेडिट किया फिर इसी तरह स्टेप टू में हमने यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया लेकिन फिर हमने बात की थी वेजेस कंट्रोल अकाउंट में कुछ वेजेस हमारे पास डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट को हमने यहाँ से माइनस करवाया तो रिमेनिंग डायरेक्ट रहेगी तो वो कैसे माइनस करवाया वो हमने वर्किंग की उसके लिए कि 6000 की नीचे वर्किंग हुई भी इस वर्किंग को देखा हमने कि नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास 16000 हमने पे किया लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 15000 की हुई है तो 1000 आवर्स का फर्क था तो वो 1000 आवर्स लिए उसको मल्टीप्लाई किया रेट पर आवर्स 6 के साथ तो हमारे पास ये 6000 आ गया ये 6000 हमने कहा ये तो इनडायरेक्ट है तो टोटल 96000 में से हमने ये 6000 माइनस कर लिया तो मैंने हमारे पास 90 रह गया तो 90 विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट एंड 6000 विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट तो फिर हमने एंट्री कर दी कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट से इसको माइनस करवाया और इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी ओवरहेड्स में जाती है ओवरहेड्स में हमने शिफ्ट कर दिया उसको ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 6000 से और हमारे पास वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हमने 6000 से कर दिया तो सबसे पहली स्टेप वन में हमने क्या किया है कि रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड इनकी एंट्री पास की है कि इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट पेबल्स अकाउंट क्रेडिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट ओवरहेड अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट तो ये सबसे पहला स्टेप था और फिर वेजेस को हमने सेग्रीगेट कर लिया क्या जिसमें से इनडायरेक्ट क्या है डायरेक्ट क्या है स्टेप टू में हम क्या करते हैं ये सारी कॉस्ट हमने कहां ट्रांसफर करनी है वर्क इन प्रोग्रेस में
तो वो सवाल में दिया हुआ था हमें कि कितनी कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है, हम फाइफो मेथड को फॉलो कर रहे थे। सवाल के अंदर बेटा एक बात क्लियर है कि सारे के सारा हमने जो वर्किंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम फाइफो के अकॉर्डिंग बेटे चल रहे हैं। तो फाइफो में जब हम जब कभी सेल करेंगे तो किस तरह से सेल हो रही होगी, जैसे हम यहां मेंशन किया है कि हमने जनाब क्या किया यहां से इशूड टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कितना इशू किया हमने 30,000 केजीज, ये 30,000 कैसे हम अप्लाई करवाएंगे, ये 30,000 के लिए जरूरी है कि जनाब सबसे पहले हम फाइफो मेथड के थ्रू रॉ मटेरियल की बात की जा रही है, तो पहले 10,000 में ये वाला शिफ्ट कराऊंगा, ये 25,000 इसकी कॉस्ट है, तो 20,000 जो होगा वो मैं एग्जिस्टिंग में से लूंगा, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मैंने जितनी भी कॉस्ट निकाल दी है। तो ठीक है, ये फाइफो मेथड को फॉलो करते हुए हम किस तरह से इसको यूज कर रहे होंगे, तो फाइफो मेथड के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने बात कर ली कि यार 10,000 केजीज हमारे पास पहले पड़े हुए थे, उसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, ये 25,000 वो वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमने कहा कि हमारे पास अभी 77,000 की कॉस्ट है, ये भी बेटा हमने जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाली हुई यहाँ पे ये आपके सामने है, दिस इज ये 77,000 है। अभी 77,000 की कॉस्ट ये कितने केजीज की है, आई थिंक ये 28,000 केजीज की है, तो इसको 28,000 में डिवाइड कर लिया, इसका रेट निकाला कि एक यूनिट का रेट क्या है, वो रेट को मल्टीप्लाई करवाया हमने यहाँ पे 77,000, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 20,000 के साथ, तो 20,000 की वैल्यू निकलेगी कि 10,000 कितना क्या है 25,000 का है, और 20,000 अब हमारे पास कितने का है ये 55,000 का है, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास 80,000 आ गया, तो हमने 80,000 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लिहाजा वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट यहाँ पे 80,000 से और हमारे पास रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 80,000 से। इसी तरह फिर हमारे पास जितनी भी डायरेक्ट लेबर थी वो 90,000 की थी, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और फिर 90,000 हमारे पास ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फिर इसी तरह हमारे पास हमने बात की ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को हमने कैसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट बाद में हो रही होगी, हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने बेटा यहाँ पे थे। सवाल पे जाते हैं, उसे क्या मेंशन किया हुआ था, उसे मेंशन किया था यार हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं, ये एक्चुअल 250,000 के हैं, ये एक्चुअल दिए हैं बेटा आपको, ये हमारे पास गिवन है 250,000 ये एक्चुअल है, लेकिन उसने कहा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर आ रहे, वो रेट हम एब्जॉर्ब किस रेट पे कर रहे होंगे, यानी हमने जब कॉस्ट को वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करना है। हमने देखें आपको अगर बात याद हो, अगर आप भूले नहीं हैं, तो हमने अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपने कहा था कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट एक्चुअल होगी, तो आपके सामने मटेरियल कॉस्ट जो है मैंने एक्चुअल लिया, जैसे मैंने कहा फाइफो, तो मैंने एक्चुअली देखा कि पहले 10,000 कितने के 25,000 के हैं, बाकी 20,000 कितने के एक्चुअली इसकी कॉस्ट के, मैंने सब एक्चुअल कॉस्ट इनको ट्रीट कर रहा हूँ। लेबर मैंने एक्चुअली देखा कि मैंने कितने पे किया है, डायरेक्टली वो कितने इन्वॉल्व है, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी, तो मटेरियल लेबर हमेशा हम एक्चुअल यूज कर रहे होंगे। हमने बात की थी ओवरहेड किस बेस पे होगा, एस्टिमेशन की बेस पे होगा, एक्चुअल की बेस पे नहीं होगा, एब्जॉर्ब की बेस पे होगा कि कितने ओवरहेड्स हमने एब्जॉर्ब करवाए, तो मटेरियल और लेबर हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे होगा, ओवरहेड्स को हम क्या करेंगे एब्जॉर्ब रेट पे ले रहे होंगे, जिस रेट पे एब्जॉर्ब होता है, तो एस्टिमेशन की बेस पे ये चलेगा हमारे पास। तो ठीक है, ये रेट बराबर कितना है 20 है हमारे पास, हमने 20 के अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया कि 20 रेट बराबर है, तो सिंपली क्या किया हमने इसको नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, तो ये मेरे पास सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ आवर्स के साथ, ये 15,000 एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स थे हमारे पास, ऐसे ही होते ना हम ओआर कैसे निकालते हैं, हाँ जी अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ऐसे मैंने कल बताया थी शायद आपको ये बातें, तो बराबर 15,000 हमारे पास आवर्स रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो 3,00,000 आ गए मेरे पास, तो 3,00,000 से मैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर दूंगा और ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैंने क्या एंटी स्टेप टू भी कर लिया, यानी स्टेप वन क्या होता है कि हम मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए और ओवरहेड्स के लिए हम एंट्री पास करते हैं। स्टेप टू में क्या होता है कि ये सारी तीनों की तीनों कॉस्ट हम WIP में ट्रांसफर करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट। अब्सॉर्ब ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब की बेस पे, मटेरियल और लेबर को हम एक्चुअल की बेस पे हम ट्रांसफर कर रहे होंगे। अच्छा जी, यहां तक कोई इश्यू बेटा, इज इट क्लियर, यहां तक बेटा सबको बात समझ आ रही हुई, यहां तक कोई सवाल स्टेप टू तक? अच्छा, सवाल पूछा जा रहा है कि सर ये ओवरहेड्स को एक्चुअल की बेस पे हम क्यों नहीं करते, प्रैक्टिकली भी बेटा ऐसे होता है,
ओवरहेड्स एक्चुअल की बेस पे नहीं होता, एब्जॉर्ब की बेस पे होता है, ठीक हो गया। मैं अब जब आपको ओवरहेड्स का एक हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी। देखिए ना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है यार मुझे, मैं सपोज कारपेंटर कुर्सियां बना के बेचता हूँ, वो कहता है यार कि कुर्सी की ना, एक कुर्सी की क्या मुझे चार्ज करेंगे। तो मैं वर्किंग करता हूँ या मैं कहता हूँ मैं एक कुर्सी आपको 500 की बना के दूंगा। अब ये 500 कैसे मैं एस्टिमेट करता हूँ, मैं वर्किंग करता हूँ एक कुर्सी को बनाने के लिए मटेरियल कितना एक्चुअली इस्तेमाल होना है तो एक्चुअल होता है, लेबर को मैंने एक्चुअली कितना पे करना वो भी एक्चुअल होता है, वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन एक कुर्सी को बनाने के लिए उस मेरी मेरी शॉप का, मेरी दुकान का कितना रेंट इस्तेमाल होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, सारी चीजें एस्टिमेशन की बेस पे मैं डालता हूँ। तो ओवरहेड जब भी हमने वर्किंग करनी होती है हम एस्टिमेट की बेस पे डालते हैं। इसी वजह से तो बाद में हम बात करते हैं कि हमने एस्टिमेट यानी एब्जॉर्ब इतना करवाया था, एस्टिमेशन की बेस पे एब्जॉर्ब इतना करवाया था और एक्चुअल ओवरहेड ये हैं, हमने कितने अंडर एब्जॉर्ब किए, कितने ओवर एब्जॉर्ब किए। अगर मैं ओवरहेड्स को एक्चुअल की बेस पे डाल दूं, मुझे पहले से एक्चुअल का पता है, तो फिर हमारे पास अंडर या ओवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, अंडर ओवर आएगा ही नहीं फिर कभी भी। ठीक होगी बात बेटा, इज इट क्लियर? यहां तक कोई इश्यू बेटा? आयशा बेटा आपको बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर? चलें ठीक हो गया। तो अब बस ये छोटी बातें आपने थोड़ी याद रखनी होगी कि हम मटेरियल को एक्चुअल की बेस पे, लेबर को एक्चुअल की बेस पे और ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब की बेस पे हम इसमें शामिल कर रहे होंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब की बेस पे हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो स्टेप टू भी हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब स्टेप थ्री बताएं मुझे, मैंने क्या बात की थी कि जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस में हम ट्रांसफर करते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस निकाल के हम कहां शिफ्ट करेंगे अब इसको? हाँ जी, स्टेप थ्री पे जरा बात करते हैं। स्टेप थ्री से ऑनवर्ड, स्टेप थ्री पे क्या एंट्री पास की थी? स्टेप वन पे मैंने बताया तीन एंट्री होंगी, रॉ मटेरियल की, वेजेस की और ओवरहेड्स की। स्टेप टू पे क्या होगा? तीनों ये कॉस्ट ट्रांसफर होंगी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। स्टेप थ्री पे एक एंट्री बताई थी, वो एंट्री क्या होगी? एक बच्चा बता रहा है वर्क इन प्रोग्रेस टू फर्नीचर, तो यही एंट्री है? नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मलिक अबू बकर ने बिल्कुल ठीक बताया। हम जितनी भी वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट, जब वर्क इन प्रोग्रेस में जो आ चुकी है, ये सारी की सारी कॉस्ट अब हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड्स के अंदर। तो फिनिश गुड्स अकाउंट विल बी डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो फिनिश गुड्स कितनी अब गुड्स फिनिश हुई है उसके हिसाब से चलेगा। तो हम वर्किंग करेंगे कितनी गुड्स फिनिश हो चुकी है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फिर ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक होगी बात बेटा? तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे थे, हम सवाल, अच्छा पहले तो मैं सवाल को देख लेता हूँ। चले क्या हो गया, बुक किधर गई, इशू क्या है? वेट बेटा एक मिनट, किताब हो गई। अच्छा एक और सवाल पूछा हुआ सर, इस यह इस एग्जाम्पल में ये तीन लाख एक्चुअल की बेस पे अब्सॉर्ब हुआ है बेटा। चलो मैं यहां क्लियर कर देता हूं, देखेंगे हमने अंडर ओवर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हम यू बढ़ते हैं ओ ए आर कैसे निकलता है, हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड, इसको करते हैं बेटा बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो ये क्या निकलता है हमारे पास, इसको रेट निकलता है सपोज 5 पर मशीन आवर, ये रेट आ गया। ठीक होगी बात बेटा? ये क्या है मेरे पास, ये रेट आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, फिर हम क्या करते हैं, हम इसी OAR को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ। रेट, ये रेट एस्टिमेटेड है यार, ये 5 का रेट एस्टिमेटेड है, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स ही होगा, एक्चुअल एक्टिव लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास ये एब्जॉर्ब्ड होगी, एस्टिमेटेड होगी हमारे पास। यानी मैं अगर 1000 इसको मल्टीप्लाई करता हूं ये 5000 के है, ये एस्टिमेटेड एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नीचे से माइनस करूंगा अब हमें यहां से कि पूरे टोटल एक्चुअल ओवरहेड मैंने कितने पे किए वो यहां से माइनस करूंगा, तो फिर मेरे पास अंडर ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। ओके फाइन, इज इट क्लियर? ओके नाउ फाइन, ये किताब किधर गई, एक मिनट याद रखिएगा। किताब गायब हो गई यार, एक मिनट, क्या हो गया किताब को?
अल्लाह अकबर यार, जस्ट वेट वन लोटा। हाँ बट आज लिखा क्यों नहीं आ रहा इसके ऊपर? अच्छा मुझे एंट्री बताएं, आप सब लोग एंट्री भी बताइए। फर्निश शूट्स को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करेंगे, ये बात ठीक होगी। अब कितनी अमाउंट से करेंगे इस पे थोड़ी वर्किंग करें, मैं थोड़ा भी वर्किंग करती क्यों नहीं आ रहा। तो हाइड कैसे हो गए? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चले आप मुझे ये बताएं कितनी अमाउंट से इसको करते हैं। मैं भी करता हूँ इसको, पेज को भी करवाता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कितनी अमाउंट से हम करेंगे इसको, वो अमाउंट क्या होगी? हरिए वो अमाउंट बता दो मुझे बस। अमाउंट हरिए सब लोग वर्किंग करें, मटेरियल कितना था, लेबर कितना था, इन जितनी भी डब्ल्यू एफ अमाउंट की वो सारी अमाउंट निकालें। उस अमाउंट से हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और डब्ल्यू एफ को हम क्रेडिट कर रहे होंगे उस अमाउंट के साथ। एटी थाउजेंड लेंगे बिल्कुल एक्चुअल, हमने ये मटेरियल कॉस्ट ले ली 80,000 की जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इस्तेमाल हुई। फिर लेबर को यूज कर लेंगे, यहाँ पे लेबर कितनी होगी 90,000 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी आई थिंक सो। 96,000 टोटल थी, उसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग कर लिया हम। डब्ल्यू आई पी में हमारे पास 90,000 क्या था, तो बाकी 6,000 हमने ओवरहेड में ले गए होंगे। अच्छा ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब करवाए थे वो 300,000 है। सो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 80,000, एक्चुअल लेबर कॉस्ट 90,000 और एस्टिमेटेड हमारे पास एब्जॉर्ब ओवरहेड जो है वो 300,000। इन सबको हमने एड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 470,000 की आ रही है। इस 470,000 से मैं क्या करूंगा, फिनिश गुड्स अकाउंट को हम इससे डेबिट कर देंगे और डब्ल्यू आई पी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर रहे होंगे। इस अमाउंट से हम इसको एंट्री पास कर रहे होंगे। अच्छा अगर आप यहाँ पे मुझे ये सारी कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास, इट्स 470,000 डन, मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखाएं कितने यूनिट से टोटल हमारे पास वर्किंग करें। ये कॉस्ट कितनी है, हमने हमने यहाँ पे कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है उसके अकॉर्डिंगली। फोर थाउजेंड यूनिट की प्रोडक्शन ही भी बढ़ा और ये कॉस्ट 470,000 पर यूनिट की कॉस्ट क्या आती है, यानी मैं अगर स्टॉक वैल्यू करना चाहूं तो मैं किस पे वैल्यू करूंगा इसके लिए, एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास क्या आती है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट जो कॉस्ट मेरे पास आ रही है वो कितनी कॉस्ट आ रही बेटा, डाटा आई नहीं रहा पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, तो
चैप्टर दोबारा कर दे। हाँ जी, पर यूनिट की कॉस्ट क्या होगी बेटा, पर यूनिट कॉस्ट? अच्छा एक बच्चा सवाल पूछता है कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट लेबर थी वो भी तो, अच्छा इनडायरेक्ट लेबर को बेटा अभी हमने एब्जॉर्ब्ड की बेस पे डाला हुआ है, एस्टिमेट की बेस पे डाला, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे ओवरहेड्स को एस्टिमेट की बेस पे डाला हुआ है। जब ओवरहेड्स को हमने एस्टिमेट की बेस पे डाला हुआ है तो हम जब अंडर ही ओवर एब्जॉर्ब करेंगे उसके अंदर इसका इफेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक हो गया। तो अभी हमने जो कॉस्ट निकाली है 117.5, तो 117.5 जो है हमारे पास, अब यहाँ पे वर्किंग करें ऑफरिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। एक बात याद है कि हम फाइफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो फाइफो मेथड के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम सबसे पहले ओपनिंग को ही सेल करेंगे तो ओपनिंग तो सारा सेल हो जाएगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो किस पे आ रही होगी इस पे थोड़ी बात करते हैं हम यहाँ पे। पर स्टॉक देखिए हमारे पास स्टॉक कितना है, यानी हमारे पास टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, वो 1000 पड़ा हुआ था, हमने बात की थी। और अभी फिनिश गुड्स की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात मैं नहीं कर रहा, अभी फिनिश गुड्स क्योंकि फिनिश हो चुका है, हमें फिनिश गुड्स से आगे ऑनवर्ड चल रहे हैं। तो फिनिश गुड्स के अंदर यहां पे बात करें तो फिनिश गुड्स के अंदर हमारे पास 1000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था और 4000 के भी आपने बताया हमने प्रोडक्शन किए, तो 1000 और 4000 दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, मेरे पास टोटल प्रोडक्शन आ गई है यहाँ पे 5000 की। अब इसमें से मैंने सेल कितना किया होगा, सेल के यूनिट देख लें और क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री के यूनिट देख लें, पर यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली भी अभी यहाँ पे देखें कितना सेल हुआ होगा। सेल यूनिट्स क्वेश्चन में देखिए बेटा, चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे बता दें, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितने हैं? 5000 हमारे पास टोटल हो गए ना, अब क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं, दैट इज ठीक हो गया 500 यूनिट से बिल्कुल एग्जैक्टली। अब पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या आई थी 117.5, अब 117.5 को 500 से मल्टीप्लाई करें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने, कितनी वैल्यू आ गई, हाँ बेटा वैल्यू निकालें सब लोग, मैं क्वेश्चन आपके सामने खोल देता हूं एक मिनट, दैट इज क्वेश्चन माय डियर, वेट व्हाट वी कैन डू, ये क्वेश्चन आपके सामने है एक मिनट यार, ये क्या करूं एक मिनट बेटा, मैं भी आपके सामने वाइस एक मिनट जस्ट ये आई थिंक हमारे पास ये सवाल चल रहा है, ठीक हो गया, तो थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको यू कर देता हूँ। चलो ये देखिए हमारे पास अब यहाँ पे स्टॉक कितना बेटा हमारे पास, ये 500 यूनिट्स है, 117.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली 58750 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने बात कर ली कि हमने क्या कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, दैट इज 58750। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जब मैं एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फिनिश गुड्स कितने ट्रांसफर हुए, इसका मतलब 500 का स्टॉक हमारे पास रह गया, बाकी 4500 यूनिट से ट्रांसफर हुए होंगे, तो उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे वैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे, तो उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज मैं कैसे वैल्यू करता हूं यहाँ पे देखते हैं बेटा। हमने कहा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना था, 1000 का था, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री थी और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई थी, आई थिंक 1,00,000 दी हुई थी उसको ओपनिंग की वैल्यू, ठीक है 1,00,000 आ गया। अब हमने अब प्रोडक्शन कितनी की है, ये 4,000 की गिरी है और इसकी कॉस्ट हमने प्रोडक्ट निकाल ली हुई थी, दैट इज 470,000 फाइन। तो यहां पे इसको ऐड कर लिया तो मैंने कहा 5000 टोटल यूनिट्स कंप्लीट हुए और इसकी वैल्यू 570,000 है। इसमें से हमने कितने सेल के फिनिश कितने हो गए होंगे, हमने जो सेल किया वो 4500 500 का स्टॉक पड़ा हुआ, इसकी कॉस्ट अभी आपने मुझे निकाल के बताया दैट इज 58
750 ये आपने अभी मुझे बताया, तो वो मैं यहां से माइनस कर लेता हूं, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आती है, माइनस करें क्या वैल्यू आ रही मेरे पास, हाँ बेटा रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 511250, फाइन। अब ये जो 511250 आया मेरे पास, 511250, इससे हम एंट्री पास कर देंगे, हम कहेंगे फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया, फिनिश गुड्स हमारे पास जो कंप्लीट हो गई थी वो 5000 ही है, लेकिन इसमें हमने जो सेल किया यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट वही जाएगा जो सेल करेंगे, तो मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगा बेटा, और ये 511250 से प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम यहाँ भी इस अमाउंट से, और फिनिश गुड्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इस 511250 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई बेटा, मैं स्पीड नहीं ले रहा, ये मुझे पता है कि मैंने कुछ देर कल भी डिस्कस की थी, मैं स्पीड नहीं ले रहा, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ देर रह जाएंगे हमारे पास, चले खैर हम इसको इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। अच्छा ओवर एब्जॉर्प्शन का मुझे बताया जरा, अंडर ओवर एब्जॉर्ब कितना होगा हमारे पास, मैं वापिस उस पर जाता हूँ, हमने क्या बात की थी, मैं वापिस अभी जो मैंने डिस्कशन मैं इस पे आता हूं, हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब बेटा, कैसे निकाला करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम नहीं निकालते तो ओएआर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, ऐसे ही बेटा, और यहां से फिर माइनस करते थे हम एक्चुअल ओवरहेड, ठीक होगी बात बेटा, ये फार्मूला नहीं आपने भूलना, ये फार्मूला आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, जब अंडर एब्जॉर्ब अंडर ओवर की जैसे कहीं बात आ जाए तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, अंडरओवर के भी बाद ही चल रही है, आपने फौरन दिमाग में ये फार्मूला लाना है कि ये फार्मूला क्या था, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से ये एब्जॉर्ब वाली अमाउंट निकलेगी, यहां से एक्चुअल अमाउंट होगी हमारे पास, डिफरेंस पॉजिटिव हुआ ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव हुआ अंडर एब्जॉर्ब, ये फार्मूला नहीं आपने कभी बोला, जब भी वो अंडर ओवर ओवरहेड की जहां कहीं बात आ जाए आपके दिमाग में आ जाए यार ओएआर एक निकलता है उसकी बेस से पहले एब्जॉर्ब करवाते हैं फिर बाद में एक्चुअल होता है। हाँ जी सवाल में ओएआर कितना दिया हुआ था जरा देख लें इसको, सवाल में ये दिया था हमें 20 दिया था बेटा ओएआर, दैट इज 20 और एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं 250,000 के हैं, चले मैं इस पे आ जाता हूं वापस, तो ये 20 मेरे पास ओएआर था और उसकी बेस पे मैंने ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल अभी हमने एब्जॉर्ब भी करवाए थे तो एक्चुअल हमने किसकी बेस पे एब्जॉर्ब करवाया था, एक्चुअल मैंने क्या 15,000 था आई थिंक सो, तो मल्टीप्लाई किया तो 300,000 हमने एब्जॉर्ब करवा दिया था, जबकि सवाल में दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ, हाँ जी सवाल में क्या बताया हुआ हमारे पास, क्या चीज बताई हुई आपने जल्दी से मुझे बताएंगे, सवाल में बताया हुआ मेरे पास एक्चुअल जो ओवरहेड है बेटा सवाल के अंदर, वापस सवाल पे जा रहा हूं, वो दिए हमें ये 250,000 के, ये एक्चुअल ओवरहेड हो गए, ये 250 तो है ही है कि एक्चुअल ओवरहेड है बेटा, ये 250,000 के सवाल में दिए हमें 250,000 ये एक्चुअल ओवरहेड है, ये एक्चुअल ओवरहेड 250,000 को दिए हैं, लेकिन एक और बात हमें पता थी कि जब हमने एंट्री की थी इनडायरेक्ट लेबर लेबर के बारे में तो हमने कहा था ये 6000 भी किसमें ट्रांसफर होगा ओवरहेड में जाएगा, इसका मतलब एक्चुअली जो ओवरहेड है वो 250 ये हमारे पास जो एक्चुअली हमने पे किया वो भी होगा प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा वो 6000 भी होगा मेरे पास, यानी मैं थोड़ा सा यहाँ पे यू कर लेता हूं, मैं कहता हूँ 250,000 भी है प्लस 6000 भी है, तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 256,000, ठीक है एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने 3,00,000 के हैं, एक्चुअल ओवरहेड 256,000 के हैं, तो माइनस किया मैंने यहां से मेरे पास क्या आया 44,000, if this is a positive then this is a over absorb, if this is negative this is under absorb, over absorb kya hota hai hamari income hoti hai beta, income jab bhi badhti hai to profit loss account credit hota hai hamesha, to hum profit loss account credit kar denge over absorb ko debit kar denge, under absorb hai to under absorb hamara nuksan hota hai hamara loss hota hai hamara expense hota hai, to under absorb jab bhi hoga to profit loss account debit hoga, jab profit loss account debit hoga to under absorb ko main credit kar dunga, to bharal yahan bhi ye kya hai over absorb hai तो मैं एंट्री पास कर दूंगा कि हम यहां पे एंट्री पास कर देंगे ओवर एब्जॉर्ब, ये ओवर एब्जॉर्ब जो भी है अकाउंट इसको 44 से हम डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमने बढ़ा देना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 44,000, क्योंकि यहां तक इसमें कोई मसला है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं आई कैन टेक द स्पीड, मैं जल्दी करके इसको मैं खत्म करके इंटरलॉकिंग भी जल्दी आके चैप्टर खत्म कर सकता हूं, बट आई एम थिंकिंग कि यार थोड़ा टाइम चाहिए आपको भी इसलिए मैंने जल्दी कर रहा है इसमें।
हाँ जी, यहां तक कोई मसला मुझे बताएं जल्दी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। कोई मसला है बेटा यहां तक? क्लियर होगी बात ये? चलें ठीक होगी बात ये। अब आगे आते हैं थोड़ा सा हम, अब सेल्स की भी एक हमने एंट्री पास करनी है वन बाय वन, सारी एंट्रीज हमने देखनी है वन बाय वन बेटा। हाँ जी, सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए? हमने सेल भी तो की है यहाँ पे, तो हमने बात की थी, हमने मैंने आपको चार स्टेप बताए थे बेटा। तो चार स्टेप कौन कौन से थे? पहला स्टेप, स्टेप वन, तीन एंट्रियां कौन सी? हमने कहा मटेरियल की, वेजेस की और ओवरहेड की। स्टेप टू, स्टेप टू पे हमने कहा कि WIP को डेबिट कर देंगे और ये तीनों अकाउंट को हम क्रेडिट करते जाएंगे। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री भी हमने कहा कि मैं फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट और मैं WIP को क्रेडिट कर दूंगा एक ही एंट्री। स्टेप फोर, स्टेप फोर पे दो एंट्रियां, वो कौन सी? हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट, जिनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट चले जाएंगे, फिनिश गुड्स खत्म हो जाएगी हमारे पास, फिनिश गुड्स क्रेडिट, और अंडर ओवर की भी एडजस्टमेंट वहां पे हम कर देंगे। अब हमारे पास आता आगे, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास अंडर ओवर भी चला गया, फिनिश गुड्स भी चला गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास सेल्स अभी नहीं गई, सेल्स हम कैसे ट्रांसफर करेंगे उसको? तो सेल्स की वर्किंग करने, जहां सेल्स भी एक दिन निकालेंगे और फिर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो सेल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है हम यहाँ पे? सेल्स जब भी बढ़ती है हम क्रेडिट करते हैं उसको। तो क्या सवाल में है बेटा? सवाल देख लेते हैं, ये सवाल है मेरे पास। हाँ जी, सेल के बारे में दिया हुआ हमें यहाँ पे 540,000, ठीक है। ये सवाल कैसे बताया हुआ 540,000? जी, सुबान पूछ रहा है स्टेप टू क्या है। स्टेप टू बेटा बताया WIP को डेबिट करना, बाकी तीनों एंट्रियां क्रेडिट करनी। अब तुम पूछोगे स्टेप थ्री क्या है, वो बता देता हूं मैं कि फिनिशर्स को डेबिट करेंगे और हम यहाँ पे WIP को क्रेडिट करेंगे। फिर है स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस को डेबिट, फिनिशर्स को क्रेडिट और अंडरओवर को भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक हो गया बना। अच्छा जी, रेवेन्यू भी आ गया, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू हमारे पास यार यहाँ पे? तो रेवेन्यू हमारे पास 540,000 का जनाब, 540,000। अगर मैं कहूंगा कि रिसीवेबल्स कैश पे नहीं सेल हुई है, रिसीवेबल्स है हमारे पास, तो क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी ना? तो ये आपको अच्छी तरह से आता है, मुझे आइडिया है कि आपने काउंटिंग इतनी पड़ी हुई है, तो छोटी मोटी एंट्री तो कर ही लेते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। तो क्या करेंगे? मैं सिंपल रिसीवेबल्स को डेबिट कर दूंगा और सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट बताई? 540। तो 540 हम ये एंट्री कर दूंगे। अल्टीमेटली सेल कहां जाना है? हाँ जी, हमारे पास प्रॉफिट लॉस में। तो अब यूं कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस का सेल से बढ़ेगा हमारे पास, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे 540 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा 540,000। ये सारा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर हम खाली प्रॉफिट निकालें यार, सेल भी आपके सामने आ गई है, बिल्कुल आ गई है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन था, रॉ मटेरियल का भी गिवन था, फिनिश गुड्स का भी गिवन था, प्रोडक्शन की अभी हमने कॉस्ट निकाली कि कितनी प्रोडक्शन हुई, क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो अब हम ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, सेल में से इसको माइनस करें, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का बताएं जरा, कितना प्रॉफिट आपके पास आया होगा? तो ये कर लेंगे वर्किंग जरा, ठीक है ना? हमारे पास क्या आएगा? आपने यू लिखना है सेल्स, कितनी सेल आपके पास आई? अभी आपने 540 निकाल ली, चलें। अब यहां पे लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, ठीक हो गया। फिर मेरे पास आता है प्रोडक्शन, ठीक हो गया। फिर मेरे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, करें वर्किंग। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, अभी मैं सवाल पे जाता हूं जरा, सवाल पे चलते हैं बेटा। कितना ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ सवाल के तरह? ये आपके सामने सवाल नजर आ रहा है आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है, 10,000 यूनिट्स कितने का, रॉ मटेरियल कितने का, 25,000 का रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोग्रेस कोई नहीं है। फिनिश गुड्स कितने का? 1,000 यूनिट्स, और ये कितने के? 1,00,000 के। तो 25,000 और 1,00,000 दोनों को ऐड कर ले बेटा। 25 और 1,00,000 ऐड किया, क्या बनता? 25 और 1,00,000 हमने ऐड किया तो दैट इज 125,000। चलो ये बात समझ आ गई सबको? हाँ जी बेटा, इसमें कोई मसला? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? डन। अब प्रोडक्शन पे हमने आते, एक्चुअल कॉस्ट आई ले रहे हैं हम, एक्चुअल से प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब प्रोडक्शन पे आए थे, कितनी प्रोडक्शन आपके सवाल में देखें जरा, मटेरियल कितने सवाल हुआ? 77,000 मुझे नजर आ रहा है, इतना रॉ मटेरियल कर लें।
लेबर कितनी है वो भी दी हुई सारी मिला के 96,000 की है। ओवरहेड एक्चुअली आपने कितने पे किए 2,50,000 के, तो एक्चुअली आपकी मटेरियल 77,000 है, लेबर 96,000 है, ओवरहेड 2,50,000 के, तीनों को ऐड कर लें 77,96,250 बेटा तीनों को ऐड करें, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहा हूं ना मैं, एक्चुअली मेरा कितना प्रॉफिट आया सारी एक्चुअल कॉस्ट दे रहा हूं, तो रॉ मटेरियल मेरे पास 77 प्लस 96 प्लस 250 तीनों को ऐड करें क्या बनता है 423 डन, ये आ गया मेरे पास 423,000 आ गया, डन हो गया बेटा। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर लें कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, अब क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास रॉ मटेरियल भी होगा बेटा और मेरे पास यहां पे फिनिश गुड्स भी होगी, फिनिश गुड्स की अभी हमने वैल्यू निकाली भी थी यार, कितनी वैल्यू निकाली थी फिनिश गुड्स की, और रॉ मटेरियल की भी वैल्यू निकाल लें ना, एक बच्चा पूछ रहा है लेबर यहां डायरेक्ट नहीं लेंगे, यार लेबर डायरेक्ट ले लो बाद में इनडायरेक्ट भी तो लेनी पड़ेगी ना, सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं ठीक है, मैं कोई फॉर्मेट बोलो नहीं कर रहा ठीक बेटा, मैं यहां पे कोई अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिन कॉस्टिंग नहीं अप्लाई कर रहा यहां, मैं सिंपल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, अगर आप उस एंगल से भी आ जाते हैं तो फिर भी ये ठीक है, उस एंगल से करूंगा तो क्या करूंगा यार, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 96 की बजाय 90,000 आ जाएगी, तो 6,000 कहां जाएगा, ये 6,000 ओवरहेड्स में जाएगा, 2,50,000 के अंदर मैं 6,000 ऐड कर दूंगा 256 बन जाएगा वो, अल्टीमेटली बात वही है, अभी आपके सामने मैंने क्या किया था एक्चुअल ओवरहेड्स मैंने कैसे लिए थे बेटा, तो अगर एक्चुअल ओवरहेड्स मैं कैसे ले रहा था यहां पर, अगर मैं वापस आता हूं थोड़ी देर थोड़ा सा ये देखने रहा, मैं वो नहीं करूंगा तो ये कर दूंगा, ये 2,50,000 ये प्लस 6,000 ये, तो 2,50,000 मैं ऐड कर दूंगा उसको, तो बात वही है कि मैं अल्टीमेटली अब मैं इसको इंटरेक्ट में डाल भी दूंगा तो बात वही की वही रहेगी, यानी मैं क्या करूंगा यहां पे, यहीं क्या होगा कि इसको 256 कर दूं, फिर मैं ये 2,56,000 कर दूं और इसको 90,000 कर दूं, बात फिर वही ऐड होकर तीनों वही बन जाएंगे। हाँ जी फिनिश गुड्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पर यूनिट कितना था और रॉ मटेरियल की भी बताया मुझे जरा, क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करी जल्दी जरा जल्दी वर्किंग करके बताया मुझे जरा, देखिए सवाल सवाल तुमने दिया हो कुछ, हाँ जी सोचिंग करें वर्किंग, हाँ ये बेटा वर्किंग करें रॉ मटेरियल की मुझे बताया जरा, बच्चे पूछ रहे हमने अब्सॉर्ब एफर्ट क्यों नहीं लिए, ओवर अब्सॉर्ब की एंट्री जो पास हुई है बेटा प्रॉफिट निकाल रहे हैं यार मेरे बच्चे, और वो भी कर सकते हैं यार आप 2,50,000 ले लें, आप 2,50,000 ले लें या 2,56,000 ले लें, फिर अंडर ओवर के एडजस्टमेंट भी कर लें, बात फिर वही हो जाएगी हमारे पास अल्टीमेटली, बात एक ही है यानी मैं एक्चुअल ओवर नहीं लेता मैं अब्सॉर्ब ले लेता हूं, तो फिर अंडर या ओवर की भी तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना, वो भी डालेंगे तो फिर बात वही वही आ जाएगी, ये मैं निकाल रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट की सेल में सारी एक्चुअल कॉस्ट वाले से डाल रहा हूं यहां पर, अगर मैं एस्टिमेट डालूंगा अब्सॉर्ब डालूंगा उस समय से डालूंगा तो फिर आपको अंडर या ओवर भी डालना पड़ेगा, तो अंडर ओवर डालेंगे तो बात वही की वही आ जाएगी,
हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितने हमारे पास? देखिए, एक तो मेरे पास, हाँ जी, वापिस सवाल पे आता हूँ। अभी आपको यहां से आपने बात भी कर ली, ये सवाल आपके सामने, ये एक तो सवाल में लिखा क्यों नहीं जाता, पता नहीं इसके ऊपर चलता क्यों नहीं, इसके ऊपर चलाऊ मैं आपको रिप्लाई कर। देखिए बेटा, हम अप्लाई करते हैं फाइफो मैथ। पहले मैं रॉ मटेरियल पे जा रहा हूं, ठीक है। दो तरह की इन्वेंट्री है यहाँ पे, दो तरह की इन्वेंट्री। एक मेरे पास इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है बेटा, दिस इज ये रॉ मटेरियल, सबको समझ आ रही है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में कितना बढ़ा हुआ, चले आप बताएं मुझे, समझ आएगा। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में कितना बढ़ा हुआ आपके पास, कितना था ओपनिंग स्टॉक में, कितने केजीज था, जल्दी देख के बताना मुझे, आपने देखना है ऐसे बताना है। 10,000, ठीक हो गया। हमने अप्लाई किया था फाइफो मैथड, फाइफो मैथड में क्या किया होगा, 10,000 केजीज वो हो गए और हमने परचेज की 28,000। हमने जब इशू किया था 30,000 इशू किया था ना, तो 30,000 इशू कैसे किया था हमने, हमने कहा 10,000 केजी स्टार्ट वाला इशू हो गया और बाकी जो 28 उसमें से हमने कहा था हमने कि 20 हमने उसमें से इशू कर दिए, तो बाकी हमारे पास स्टॉक कितना रह गया था, 8,000 रह गया था। क्यों जी, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना, कितने केजीज होगा हमारे पास बताएं जरा मुझे, 8,000 केजी। क्यों, ये बात समझ आ गई सबको कि मैंने ओपनिंग देखा 10,000 केजीज था और मैंने कहा हमने परचेज किया 28,000, ओपनिंग 10,000 प्लस 28 तो 38 बनता है, 30 मैंने इशू कर दिया तो बाकी बच गया 8,000। अब 8,000 को वैल्यू किस पे करूंगा, ओपनिंग, हमने कहा फाइफो मैथड अप्लाई करें, फाइफो का मतलब कि ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग यूनिट निकल गए हैं, तो जो हमारे पास हमने नहीं परचेज की इसमें से कुछ ना कुछ क्लोजिंग में बचा होगा, तो रेट निकाल लें, 77,000 को 28,000 से डिवाइड करें, क्या बनता है, 77,000 डिवाइड बाय 28,000 करें, हमने किस रेट में परचेज किया था, 2.75 हमने परचेज किया था, 2.75। अब हमारे पास 8,000 केजीज बचे हुए हैं, तो 2.75 को मल्टीप्लाई करें 8,000 के साथ, हरिया क्विकली 2.75 को मल्टीप्लाई किया 8,000 के साथ, तो क्या वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास, सब लोग करेंगे हरिया, तो ये 22,000 आ गया, डन हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमने 22,000 बिल्कुल ठीक कर लिया, आपने बात कि हमने रॉ मटेरियल की वर्किंग कर ली, 22,000 डन हो गया। अब इसी तरह से हमने यार अभी हमने वैल्यू निकाली उसकी, किसकी वैल्यू निकाली थी अभी हमने वर्क इन प्रोग्रेस की, प्रोडक्शन की वैल्यू निकाली थी, यानी फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाली थी, वो कैसे निकाली थी मैंने, अब उसकी भी निकाल लेते हैं। चले, हम कहते हैं, मैंने कहा अब मुझे बताएं ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स के यूनिट कितने बढ़े हुए, ये बताएं मुझे जल्दी जरा, कितने यूनिट है, 1,000 है, और इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी जरा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये मैं यूं भी कर लेता हूं, 1,000, इसकी वैल्यू 1,00,000 होगी, ठीक है। अब तो हमने वर्किंग की थी यार, हमने 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 अभी अभी बात की थी कि हमने जब प्रोडक्ट, अब ओपनिंग स्टॉक तो निकल गया, ओपनिंग स्टॉक 1,000 है, तो हमने अब प्रोडक्शन कितनी की है, अब हमने 4,000 की प्रोडक्शन की बेटा, कंप्लीट प्रोडक्शन 4,000 यूनिट, 1,000 और 4,000 कितने होंगे, 5,000, 5,000 में से क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 500 का, हमने इसका मतलब 4,500 सेल कर दिए, अब बाकी क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स का रह गया, तो 500 को मैं वैल्यू किस पे करूं, तो फाइफो मेथड अप्लाई करो, तो वो 1,000 की जो ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट होगी 1,00,000 वो तो निकल गई होगी, हमने जो रिसेंटली यूनिट जितने बनाए उस पर जितनी कॉस्ट लगाई उस पर हम वैल्यू कर रहे होंगे, तो उस पर हम कैसे वैल्यू कर रहे होंगे, इसलिए मैंने अभी वैल्यू किया था इसको, अभी मैंने यहां वैल्यू किया था, अभी कॉस्ट पर यूनिट निकाला, अभी WIP निकाला था, पता नहीं यहीं के दूसरी गेट पे जाएंगे, वो निकाला था हमने यार 117 समथिंग आपने निकाल के मुझे दिया था, दिस इज यस, ये आपके सब निकला भी हुआ यार, दिस इज ये वैल्यू निकाली हुई, ये कभी नजर आ रही आपको कि 500 यूनिट्स की हमने वैल्यू निकाली थी, ये 58750 आ गया था, हमने कॉस्ट कैसे निकाली थी, मैंने कहा था कि टोटल कॉस्ट निकालो यार हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट, तो उस पर हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही, टोटल कॉस्ट हमने कहा फाइफो का, तो ये फाइफो का ये पहले निकल जाएगा, 470 की अभी कॉस्ट लगी है और ये हमारे पास 4,000 यूनिट्स थे, तो डिवाइड करके हमारे पास
आई थिंक 7 point something कुछ निकाला था आपने, तो आपने वैल्यू निकाली थी 5875 हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे इसको, ये जो हम जिनने वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे अभी, एक तो आपने कॉस्ट मुझे बताई 22,000 की, वो ले लें आप, और एक आपने मुझे कॉस्ट बताई है 28750 की, ये भी ले रहे हैं आप, तो करें ऐड इसको, तो क्या वैल्यू बनती है, एक आपने मुझे कॉस्ट 5875, ठीक है 58 point मैं लिख देता हूँ, ऐड करें 5875 प्लस 22,000 कितना बनता है, 5875 प्लस 22,000 इनको ऐड कर लें, ठीक हो गया 80750 डन हो गया। जो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग कराए यहां से, वैल्यू यहां लाए, यहां से इसको माइनस करें प्रॉफिट निकालें, कितनी वैल्यू आती है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग के लिए, डन। अब इसमें से माइनस करें प्रॉफिट कितना निकला आपका, 7,750 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसकी एंट्री कर दे आप। हाँ जी, प्रॉफिट इनकम बढ़ती है, क्रेडिट करेंगे डेबिट करते हैं इसको, हम यू कहते हैं जब इनकम बढ़ती है तो इसका हम क्रेडिट करते हैं, क्यों जी, तो क्या करेंगे, तो इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम ट्रांसफर कर देंगे, यू कहते हैं ये प्रॉफिट हमारा होगा इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे, इतनी अमाउंट से हमारे पास, यू कह लें तो बाकी सारी जब आप एंट्रियां करेंगे ना यहाँ पे, यानी हमारे उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्री आ रही होगी, एक तो फिनिश गुड्स हमारे पास आ रहा होगा, तो हमने कहा ठीक है एक फिनिश गुड्स आ जाएगा हमारे पास, ये फिनिश गुड्स की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, एक हमारे पास अंडर ओवर का कोई ना कोई एंट्री आ रही होगी, तो ओवर की एंट्री इधर आ जाएगी, एक सेल्स की एंट्री आएगी, ये अब जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जो भी बचेगा ना क्लोजिंग बैलेंस वो प्रॉफिट होगा उसको, वो यही होगा 7,750 ही आ रहा होगा, अब ये सारी वैल्यूज आप टी अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं, टी अकाउंट लेजर तो बना सकते हैं ना, डबल एंट्री अगर आपने कर लिए तो लेजर आई थिंक बना सकते हैं, लेजर में आपको मसला नहीं होगा, तो यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई मसला बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्यों जी, चले आगे जरा, क्या कहते हैं आप, इंटरलॉकिंग चले चलते हैं। ये बजे सर टाइम हो गया यार, किस चीज का टाइम हो गया, थोड़ा मैंने कल भी बात की थी, थोड़ा लेट जब स्टार्ट हो, जैसे मैं जितना लेट स्टार्ट में उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, घंटा तो मैंने कम से कम लगाना ही होता ताकि आपको कुछ चीजें हो जाए क्लियर। चलिए थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं इंटरलॉकिंग का, सवाल पे मैं नमारी की शुरू करूंगा, इंटरलॉकिंग वैसे रह गया और तो रहे कुछ नहीं, तो डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा डिस्कशन ये कि इंटरलॉकिंग सिस्टम, चलिए पहले आप मुझे बताएंगे इंटरलॉकिंग क्या होता है, व्हाट इज इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो मैं बताऊंगा इसकी एंट्रीज किस तरह, एंट्रीज का स्टाइल डिफरेंट है उनका, इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है जनाब बताएंगे, हाँ जी बेटा बताएंगे इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, काइंडली डिस्कस करेंगे ना, ये मैं शुरू हूं फिर, इंटरलॉकिंग सिस्टम ना, चल पहले एक दो मिनट सब लोग ट्राई करें ना, थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं,
एंगेज होंगे, इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? तो मैं थोड़ा आपको इसमें हिंट कराता हूं, इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अलग अलग काम करें। क्यों? ये भी जरूरी नहीं कॉस्ट फाइनेंशियल मीन सिस्टम अलग अलग काम करेंगे। कॉस्ट वाले अलग अपने अकाउंट बना रहे होंगे, फाइनेंशियल वाले अलग बनाएंगे। कॉस्ट वाले अपने अंदर एक फाइनेंशियल का कोई हेड रख लेंगे और फाइनेंशियल वाले अपने अंदर कोई कॉस्ट का हेड रख लेंगे। इन दो अलग अलग अकाउंट्स बन जाते हैं, एक जनरल लेजर हेड रख लेता है, दूसरा एक फैक्ट्री अकाउंट के नाम से एक हेड रख लेता है। अच्छा, ये इसकी पहली बात है कि इसकी जरूरत पेश क्यों आती है, जरा इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम बनता क्यों, इस पर थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अगर कंपनीज के अंदर जो हेड ऑफिस है, यानी हेड ऑफिस और फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन होती है, अगर हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही प्रेमिसेस के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो फिर इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। यही वहीं फैक्ट्री लगी हुई, वहीं आप प्रोडक्शन करते हैं, वहीं आपका हेड ऑफिस है, वहीं आपकी चीजें बनती है, वहीं उसकी कॉस्टिंग हो रही, वहीं पे उसके फाइनेंशियल यानी एक्सटर्नल अकाउंट्स भी वहीं पे बन रहे हैं, एक ही जगह पे सारा काम हो रहा है, तो फिर तो हम इंटीग्रेटेड चला लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इनकी लोकेशन डिफरेंट है, यानी हेड ऑफिस कहीं और है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट कहीं और है, दोनों की लोकेशन का बहुत फर्क है। एक हेड ऑफिस लाहौर में और फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को इस्लामाबाद में लगी हुई है, तो फिर इस केस में मसला आ जाता है। अच्छा, ये हेड ऑफिस का मतलब क्या है नॉर्मली, हम यहां पे हेड ऑफिस में क्या चीज हम इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं, कि हम बेसिकली वर्किंग कहते हैं कि हमारे बैंक कहां पे, जिससे हमने लोन लिया है वो कहां पे है। हो सकता है हमारे पास वो बैंक जो हो सकता है वो कराची के अंदर है, जिससे हम लोन लेते हैं, जिससे जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमारा हेड ऑफिस है। अक्सर आपको पता ही होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके हेड ऑफिस तो कराची में, लाइक बाकी कंट्रीज में क्या है, उसके और बाकी ब्रांचेस हमारे पास। तो मीन हम ये वर्किंग कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहां से, जहां जहां हम ये वर्किंग करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहां पे हैं, जिससे हम लोन वगैरह लेते हैं वो कहीं और है, या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपको आईडी हो गई कंपनी होती है उनकी, कितने कंट्रीज में ब्रांच है, जैसे कोक है कितने कंट्रीज में फैली हुई, हेड ऑफिस कहीं भी होगा, कंपनी कहीं भी होगी, तो वो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि हेड ऑफिस का अलग से ट्रीटमेंट, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अपने अकाउंट्स बना रहा होता है, और बाकी जहां जहां फैक्ट्री लगी हुई, जहां जहां प्रोडक्शन हो रही है, वो अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं। वो एक ही अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर सकते, एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और दोनों की नेचर में फर्क है। हेड ऑफिस ने एक्सटर्नल लोगों को डील करना, उसने अकाउंट्स उस हिसाब से मैनेज करने होते हैं। अब फैक्ट्री है, उसने कॉस्टिंग करनी, वहां प्रोडक्शन होनी, यहाँ पे उसके अकाउंट्स उसके हिसाब से मैनेज होते हैं। अच्छा, अच्छा मैंने कहा हेड ऑफिस का मतलब क्या है, हेड ऑफिस का मतलब यह है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहां पे हैं, बैंक्स वगैरह कहां पे, रेगुलेटरी कहां पे, जिसे हम जो मेन जिसे हम जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो कहां पे है। और फैक्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन होती है, यहां पे रॉ मटेरियल कहां से हम लेते हैं, हमारे लेबर कहां से हम हायर करते हैं, यानी ये इन फैक्ट्रीज की बेस पे हम बात करते हैं कि जहां की लेबर कहीं और की है, वो इन्वॉल्व किसी और तरह से है लेबर, तो वो हम बात करते हैं यहां की कि लेबर या मटेरियल हम यहाँ लाइक सपोज इस्लामाबाद में लगा रहे हैं और लॉन्च और हम यहाँ लाइक लाहौर से ले रहे हैं, तो फर्क आ रहा है यहाँ पे, यानी जहाँ ट्रेडिंग हो रही है, जहां से हम अकाउंट्स वगैरह लेते हैं जिनको हम आंसरेबल हैं वो और है, और जहां पे हम प्रोडक्शन होती है वो एरिया कुछ और है, तो दोनों एरियाज में फर्क आ रहा होता है, तो वहां पे फिर जरूरत पेश आ जाती है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम डेवलप कीजिए। हेड ऑफिस कहीं और है और वो रिपोर्टेबल किसी और तरह से है, बाकी किसी और तरह से काम कर रहे हैं जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां बहुत मसला आ रहा होता है, तो फिर हेड ऑफिस अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाता है और उसमें जितने भी फैक्ट्री में जो काम हो रहा होता है उसकी एंट्री अपने अकॉर्डिंगली, यानी एक बात करूं बताऊंगा आपको कि एक जनरल लेजर के नाम से बना लेता है। ऐसे ही जो हमारे पास जनरल लेजर वाले होते हैं वो अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से या फैक्ट्री लेजर के नाम से अकाउंट्स बना रहे होते हैं। तो बहरहाल कंपनीज की ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, हेड ऑफिस कहीं और पे है और डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन वाला वो कहीं और पे है, डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और बिजनेस की नेचर ही कुछ ऐसी है, तो फिर वो अपने हर डिपार्टमेंट अपने अपने अकाउंट्स बनाता है, हेड ऑफिस अलग से अपने अकाउंट्स बना रहा होता है, दोनों में जो फर्क आ रहा होता है, तो वहां पे फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम डिवेलप करना पड़ता है। कि ये बात समझ आ गई सबको कि इंटरलॉकिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आती है।
चलूं आगे फिर जब मैं ये मेन एक आइडिया था, हमें क्या करना पड़ेगा इसके कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अकाउंटेंट्स होते हो कहते हैं यार ये अलग अलग जो ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस कहीं और है, कॉस्ट अकाउंट फैक्ट्री कहीं और है, ये इसके लिए क्या कैसे अकाउंट्स को मैनेज किया जाए, तो उसके लिए वो फोर सिस्टम डेवलप करते हैं, उनमें से ये दो सिस्टम जो इंटरलॉकिंग के हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, क्या आज के लिए काफी? फिर कल क्लास में रखना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं क्लास लूंगा आपकी कल, क्या ख्याल है? और मैं ये भी चाह रहा हूं कि रिजल्ट की वजह से या मैं छोटी छोटी ना करूं, आपका क्या कहना है? रिजल्ट इंशाल्लाह आ ही जाना और आप इंशाल्लाह पास हो जाना, टेंशन क्या है, छुट्टी क्यों करनी है, क्या कहते हैं आप? कल की क्लास तो यार रखी जाएगी, क्या ख्याल है? एक कल का लेक्चर, रिजल्ट बहुत दूर अभी यार। एक क्लास रख लें यार, अभी स्लो स्लो चल रहा हूं मैं इसी वजह से। कल तो एटलीस्ट क्लास, कल तो मैं क्लास लूंगा यार, कल नहीं मैं क्लास लूंगा। टाइमिंग या तो यही टाइमिंग होगी या अगर कोई डिफरेंट होगी आपको मेल उसमें मैं एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। मैं कोशिश करूंगा कल मैं इसको खत्म करूंगा यार चैप्टर को, इसके साथ लटक ही गया हूं। कल की क्लास रखते हैं, अभी रिजल्ट आपको मंडे ट्यूसडे को आना यार, अभी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, कल की क्लास अभी रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं ठीक है। और कल की क्लास के बाद से मंडे को भी मैं कोशिश करूं क्लास ली जाए, आई थिंक सो। ट्यूसडे को आपको छुट्टी दे देंगे, आप रिजल्ट एक दिन देख लीजिएगा, एंजॉयमेंट कर लीजिएगा, खुशी मना लीजिएगा, इंशाल्लाह पास आप हो जाएंगे। वेडनेसडे से फिर हम शुरू हो जाएंगे, क्या ख्याल है? चले कल तो क्लास लेते हैं ना, फिर देखते हैं इसमें ठीक हो गया। अब आपकी असाइनमेंट क्या, आपने इंटरलॉकिंग भी थोड़ी वर्किंग करके आनी, इंटरलॉकिंग सिस्टम भी जाएगा, थोड़ी रीडिंग करनी है आपने उसको ठीक है। कल मैं इंटरलॉकिंग पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह और कोशिश करूंगा क्योंकि सवाल दो दिन करवा के आपको, ये आसान ये एंट्री है मेन चीजें, सवाल तो हो ही जाएंगे, आपने एंट्री समझ ली तो बाकी ठीक है। ट्यूजडे वेडनेसडे को छुट्टी है सर, पता नहीं यार अभी मुझे कन्फर्म नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैंने तो आना ही होता। खैर कल क्लास है तो फिर देखते हैं हम यहाँ पे ठीक है, सो इंशाल्लाह कल क्लास करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम करते हैं। अगर कोई चेंज आता है, सपोज मेरी क्लास नहीं होती या कोई टाइमिंग चेंज आती तो आपको व्हाट्सएप तो जरूर ही कर दूंगा मैं आपको, बेफिक्र यहाँ पे ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे यार, इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, आज भी काफी है।